हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं रविश कुमार आज लेके आया हूँ इंडियन बैंक के अंदर निकली है वैकेंसी, क्या वैकेंसी है, कौन भर सकता है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं, इंटरव्यू है या डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों मेरा नाम है रविश कुमार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ कि इंडियन बैंक सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसियाँ निकली हैं दोस्तों इंडियन बैंक के अंदर, तो इसमें एप्लीकेशन फीस की जब मैं बात करूंगा दोस्तों। अच्छा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि अधिक ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की जब मैं बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो दोस्तों, एससी एसटी किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट हो, उसके लिए आवेदन शुल्क दोस्तों बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके अंदर जो इंडियन बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए एज लिमिट निर्धारित की है, वो एज मैं बता देता हूँ, मिनिमम जो एज रखी गई है वो 20 वर्ष रखी गई है दोस्तों और मैक्सिमम एज जो 45 वर्ष इसके अंदर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन हमें इसमें मिलने वाला है। अब टोटल पोस्ट की बात करूँगा तो दोस्तों 202 यानी कि 202 पोस्ट हैं ओनली और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायरमेंट रखी गई है वो 10th पास प्लस एक्स सर्विसमैन होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। 202 पोस्टों पर 10वीं पास प्लस एक्स सर्विसमैन होना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करता हूँ कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसके बैंक के पोर्टल पे जाना है, सारा वहीं पर आपको बायोडाटा मिलेगा, लिंक मिलेगा, तो देन आपको वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है पोर्टल पर। उसके बाद बेसिक डिटेल डालनी है जो जो रिक्वायरमेंट इन्होंने की है जो मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देन वो स्कैन सारी कॉपियाँ आपको इस पर अपलोड करने दे, सबमिट कर देने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है दोस्तों। अब बात करता हूँ इसमें सैलरी किसने मिलने वाली है। अराउंड आपको 25,000 सैलरी मिलेगी, 25,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है दिया। और इंडियन बैंक जो सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे होगा वो दोस्तों, एक छोटा सा रिटर्न एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर एग्जाम होने के बाद आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। अब बात करता हूँ इसके अंदर लास्ट डेट की दोस्तों, जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 फरवरी से भर सकते हैं, यानी कि परसों से आप ये फॉर्म भर सकते हैं 23 फरवरी 2022 से, और लास्ट डेट जो होने वाली है दोस्तों वो 9 मार्च 2022 होने वाली है। एग्जाम की डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले मेरे चैनल पर ही इसकी वीडियो मिलेगी जब भी एग्जाम डेट आएगी दोस्तों, तो इसलिए बोलता चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बता देता हूं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और जो आपका एक सर्विसमैन का एक सर्टिफिकेट होता है वो 10वीं क्लास की, रेजिडेंट कार्ड सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दोस्तों आई पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है दोस्तों रविश कुमार, मैं आपका अपना रविश कुमार, थैंक यू।